हम आगे आते हैं और बात करते हैं। आप लोगों तो ने एएस में जब ऑर्गेनिक पढ़ी थी तो उसमें आपने स्टीरियो आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है? और स्टीरियो आइसोमरिज्म में आपने क्या कॉन्सेप्ट किया था, आपने क्या डिड यू स्टडी इन स्टीरियो आइसोमरिज्म के आइसोमर्स आपने पढ़े थे, उसमें आपने डिफरेंट आइसोमर्स की बात की थी, ठीक है? तो स्टीरियो आइसोमरिज्म की अगर हम इस टॉपिक में बात करेंगे दोबारा, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म के हम पहली डेफिनेशन की बात करें तो कहते हैं कि दे आर द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट, ठीक है? स्टीरियो आइसोमरिज्म में फर्दर जो है वो दो किस्म के आइसोमर्स थे, जियोमेट्रिक और ऑप्टिकल, ठीक है? जियोमेट्रिक में सिस एंड ट्रांस आ जाते थे और ऑप्टिकल में कोई भी नहीं थे, ठीक है? ऑप्टिकल बस ऑप्टिकल थे, जियोमेट्रिक में सिस एंड ट्रांस थे। ये प्लीज अब आपने लिखना है और इस टेबल को बड़े खूबसूरती से बनाइएगा, क्योंकि हम इसके ऊपर बार बार जो है वो इसके बारे में बात कर रहे होंगे और इसके ऊपर बार बार जो है वो उस इसका जिक्र आ रहा होगा, तो प्लीज नोट डाउन कर लें इसको। जी, तो आपने लिख लिया है तो अब आगे चलते हैं और ये भी लिख लें दो लाइनें कि टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस डोंट एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमरिज्म और सिस एंड ट्रांस जो है दिस इज नॉट पॉसिबल इन टेट्राहीड्रल बिकॉज एंगल इज नॉट 90 डिग्रीज और 180 डिग्रीज, ठीक है? इधर आपने देख लिया कि स्टीरियो आइसोमरिज्म हमारे पास सिस एंड ट्रांस है और ऑप्टिकल है। सिस एंड ट्रांस में ऑक्टाहीड्रल और स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहीड्रल में टू बाइडेंटेड एंड टू मोनोडेंटेड होती है, स्क्वायर प्लेनर में टू प्लस टू मोनोडेंटेड, ऑप्टिकल में थ्री बाइडेंटेड और टू मोनोडेंटेट एंड टू बाइडेंटेट। दोनों में कंडीशन ये है कि एटलीस्ट टू मोनोडेंटेट होने चाहिए सिस एंड ट्रांस में, और ऑप्टिकल में एटलीस्ट टू बाइडेंटेट होने चाहिए, ठीक है जी? ये लेकिन ये प्लीज याद रखिएगा कि 90 डिग्रीज होगा तो सिस हो जाएगा और 180 डिग्री होगा तो ट्रांस हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको कराता हूँ कि आप देखें कि जब 90 डिग्री, आपने देखा कि जब 1 मिनट, आपने देखा था कि जब 90 डिग्रीज होगा तो सिस होगा और 180 डिग्री होगा तो ट्रांस होगा, तो आपने देखा कि सी एल यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे 90 डिग्रीज बनेगा तो ये ट्रांस हो जाएगा, लेकिन सी एल यहाँ पे लगाऊं तो ये 180 डिग्रीज हो जाएगा और ये इसको हम ट्रांस कहेंगे, ठीक है? ये अंडरस्टूड, इतनी सी बात थी बस। इसी तरह आगे अगर आप इसमें एग्जांपल देखें तो यहाँ पे अगर मैं सी एल लगा दूं और यहाँ पे सी एल लगा दूं, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे H3N लगा दूं तो ये सिस हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये 90 डिग्रीज है, ठीक है? बेसिकली ये जो सारा डायग्राम है ये इसकी ही इस तरह की अरेंजमेंट है, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है? और अगर मैं एक सी एल यहाँ पे लगा दूं और एक सी एल यहाँ पे लगा दूं तो ये 180 डिग्रीज हो जाएगा और ये जो है ये ट्रांस हो जाएगा, ठीक है? तो इसको भी आप नोट कर लें कि जो रेड वाला है ये सिस है और ब्लू वाला जो है वो ट्रांस है, ठीक है? लेकिन ब्लू वाले को आप अभी ना नोट करें, आपने देखा कि H3N और H3N, ठीक है, Cl Cl, दिस इज सिस, क्योंकि ये भी 90 है और इन दोनों के दरमियान भी एंगल 90 है और इन दोनों के दरमियान भी एंगल 90 है। और अगर मैं अब कहूँ कि ये Cl, ये Cl, ये NH3 और यहाँ पे भी NH3, तब ये जो है ये ट्रांस हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान भी एंगल 180 है और इन दोनों के दरमियान भी एंगल 180 है, ठीक है? ओके,
इधर कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट की जब हम बात करते हैं तो हम जो है वो ये कहते हैं कि देखो, कोबाल्ट की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे सीएल है, यहाँ पे सीएल है, तो ये सिस होगा। लेकिन अगर यहाँ पे सीएल है और यहाँ पे सीएल है तो ये ट्रांस हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल 90 और ये एंगल 180। इसकी एग्जांपल मैं आपको भी देता हूँ, रुके। ये डायग्राम थी वो मैं आपको कराना चाहता देखना चाहता हूँ। ये आप ये देखें कि आपने कहा कि एक यहाँ पे सीएल लगा दें, ठीक है, और एक यहाँ पे वो सीएल लगा दें, तो ये एंगल 90 बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे एक सीएल लगा दें तो ये एंगल 180 बन जाएगा ना। सो बेसिकली ये बात मैं कर रहा था, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने बात करूं, इसी तरह अगर मैं आपको एक और बात करता हूं, वो ये करता हूं कि आप देखें, अब बस कोबाल्ट है, इधर आपके पास यहाँ पे कोबाल्ट है, इधर आ जाए। आप देखें कि मैं यहाँ पे ये ऑक्टाहीड्रल शेप है इसकी, अब यहाँ पे सीएल लगाता हूँ, यहाँ पे सीएल लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बाइडेंटेट लगाना चाहता हूँ, NH2 CH2 CH2 और NH2, और इसी तरह यहाँ पे H2N CH2 CH2 NH2। तो ये क्या हो जाएगा, सिस, क्योंकि इन दोनों के दरमियान भी एंगल 190 और इन दोनों के दरमियान भी 90 और इन दोनों के दरमियान भी 90। और इसी तरह अगर मैं सी एल यहाँ पे लगाऊं और NH2 CH2 CH2 और NH2 लगाऊं और NH2 लगाऊं CH2 लगाऊं CH2 लगाऊं और NH2 लगाऊं, तो ये जो है ये ट्रांस हो जाएगा। तो ये 180 और ये भी और इन दोनों के दरमियान भी एंगल जो है वो 180 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। उस सब ऑक्टाहीड्रल की जो शेप थी उसके मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये देखो कि आपके पास पहले यहाँ पे सीएल था, ये यहाँ पे सीएल, ठीक है, और आपने ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपने वो बाइडेंटेट इसके दरमियान लगाया और बाइडेंटेट जो है वो इन दोनों के दरमियान लगाया। अब आपने कहा कि ये सिस हो गया, ठीक है, ठीक है, तब आपने कहा कि ये दिस इज सिस, ठीक है। और इसी तरह जब आपने सीएल जो है वो इसके दरमियान लगाया, इसके दरमियान लगाया और बाइडेंटेट इन दोनों के दरमियान लगाए, ठीक है, बाइडेंटेट इन दोनों पर लगाए, एक ऐसे करके लगाया और एक ऐसे करके लगाया, तब इनके एंगल्स जो थे वो 180 हो गए, तब आपने कहा कि दिस इज ट्रांस, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होगी, आप वापस उस पर आए जहां भी हम ये ओरिजिनल वो था,
और इसको जो है वो नोट कर लें, ये जो था इसको आप नोट कर सकते हैं आप। अच्छा जी, अब आगे आते हैं और थोड़ी सी और इसको देखते हैं, क्लियर कर देते हैं सारी इसको। अब मैं कहता हूँ कि आपके पास जो है वो इसको छोड़ दें, ये निकल है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी, तो आपको पता है कि ये ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये निकल, यहाँ पे सी एल, यहाँ पे सी एल, ये सिस हो जाएगा, ठीक है। आप सबको ऑलरेडी इसका अंदाजा है। और अगर यहाँ पे ये निकल है, ये सी एल, ये सी एल, ये सी एल, ये सी एल, और ये H3N, ये NH3, तो ये आपके पास ट्रांस है। और ये सी एल, ये सी एल, और ये H3N, और ये H3N, तो ये आपके पास सिस है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल भी कोई शक नहीं है। कोबाल्ट में इसी तरह देखें तो कोबाल्ट में ऊपर दो लाइन ऐसी भी हैं, ये सी एल, ये सी एल, तो ये सिस है। और बाइडेंटेट आप इसके और इसके दरमियान लगाएं तो ये तब ये सिस होगा। और अगर कोबाल्ट में आप कहो कि ये सी एल और ये सी एल और बाइडेंटेट इन दोनों और इन दोनों के दरमियान, तब ये ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। टू प्लस फोर मोनोडेंटेट करें तो ये सी एल, यहाँ पे सी, ठीक है। वाटर लगा दें, एच टू ओ, एच टू ओ, एच टू ओ, ओ एच टू, तो ये क्या है, ये सिस है, ठीक है। एंगल 90 डिग्री बना, सी एल यहाँ पे लगाएं, सी एल यहाँ पे लगाएं, एच टू ओ, एच टू ओ, एच टू ओ, एच टू ओ, तो ये 180 डिग्री बन गए। सी एल सी एल के दरमियान एंगल 180 डिग्री हो गई, ठीक है। इसी तरह अब आप आगे देखें, सी एल है यहाँ पे, यहाँ पे सी एल लगाए, अभी 3 + 3 है, ठीक है, यानी कि 3 CL और 3 NH3, ठीक है, इसका ये मतलब है। और यहाँ पे सी है, तो और यहाँ पे NH3, यहाँ पे H3N, यहाँ पे H3N, तब ये क्या होगा, सिस होगा, क्योंकि एंगल अगेन इज 90 डिग्रीज, ठीक है। और यहाँ पे सी एल, यहाँ पे एक, यहाँ पे सी एल, एंगल आपने 180 बना दिया, अब तीसरे सी एल को कहीं कहीं भी लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। H3N, H3N, NH3, तो ये जो है ये आपके पास ट्रांस हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो है वो 180 डिग्री हो गया इनके दरमियान, और इनके दरमियान एंगल 90 है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में अब आप एक बात जो है वो लाजमी ये देखिए कि इस वाले में एंगल बिटवीन 3 CL इज 90 डिग्रीज, इसके दरमियान भी 90 है, इसके दरमियान भी 90 है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि एंगल बिटवीन 2 CL इज 180 डिग्रीज, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं, ये आपने हो गया। अब आगे आते हैं और यहाँ पे ऐसे
अब आपने 3 बाइडेंट डेट्स लगाने हैं, ठीक है। तो एक बाइडेंट डेट आप यहाँ पे लगा दें, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, या आप एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आपने लिख लिया तो प्लीज मैं रेस करने वाला हूँ। रेज हो गया। अब आपने 2 CL और 2 बाइडेंट डेट लगाने, ये जो 2 लाइनें मैं बना रहा हूँ ये छठा पांचवा सिक्स बॉन्ड है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल शेप है। CL यहाँ पे, CL यहाँ पे, और 2 जो बाइडेंट डेट हैं वो आप यहाँ पे लगा दें और यहाँ पे लगा दें, ठीक है। इस तरह CL यहाँ पे लगा दें और इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे लगा दें। ये दोनों जो हैं ये आपस में आपस में मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। ये क्या हो जाता है यार, 2 CL 2 बाइडेंट डेट और 3 बाइडेंट डेट वाली दोनों जो आपने की वो आपस में मिरर इमेजेस हैं, या आप एक दूसरे की, ठीक है। अब एक आखिरी देखते हैं, 3 + 3 बाइडेंट डेट। इसमें आपने क्या करना है, CO Cl 3 H2O 3, ओवरऑल चार्ज जो है वो नेगेटिव, ठीक है। ये पांच पांच छठा बॉन्ड जो है ये स्ट्रक्चर बनाने के दौरान कहीं मिथ हो गया जिसकी वजह से बनानी, यहाँ पे CL आ जाएगा, यहाँ पे CL, यहाँ पे CL, ठीक है। 3 CL लगाने हैं और 3 H2O बनाने हैं, और ओवरऑल चार्ज भी आपने लिखना है कि नेगेटिव है, क्योंकि ये देखें ओवरऑल चार्ज इज नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे CL, यहाँ पे CL, यहाँ पे CL, OH2 OH2 OH2, और ओवरऑल चार्ज शेल बी नेगेटिव। अब ये वह ऐसी बात हमने क्यों की, अब इसमें आप देखें कि ये आपके पास सिस है और ये आपके पास ट्रांस है। अब आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान एंगल क्या है, 90, इनके दरमियान एंगल 90, इसके दरमियान एंगल 180 और इसके दरमियान 90, इसका फर्क नहीं पड़ता, 180 है तो ये ट्रांस की कंडीशन को सपोर्ट कर देता है, और बाकी OH2 आप कहीं भी लगा ले। नेगेटिव चार्ज जो है वो इसलिए आया क्योंकि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन था इसका जो चार्ज था वो नेगेटिव था, तो हमने चार्ज जो है वो शो करना है तभी हमें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, कोई शक नहीं इस बात में। अब मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो छोटी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं निकल की। निकल में अब आपने 3 बाइडेंट डेट लगाने हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब आपने 3 बाइडेंट डेट्स लगाने हैं, अब इसमें आप 3 बाइडेंट डेट्स लगाएं, जरा शाबाश में देखूँ आप क्या करते हैं। आप कहते हो NH2, यहाँ से CH2, यहाँ से CH2, फिर यहाँ से NH2 दोबारा, तो ये ऐसे लग गया। यहाँ से H2N, यहाँ से CH2, यहाँ से CH2, यहाँ से NH2 जो कि यहाँ पे लग जाएगा, फिर यहाँ से NH2, यहाँ से CH2, यहाँ से CH2, यहाँ से NH2 जो कि यहाँ पे लग जाना है, ठीक है।
और ओवरऑल चार्ज जो हो जाएगा वो भी आप डाल दोगे 2 पॉजिटिव, इसका भी चार्ज जो है वो 2 पॉजिटिव हो जाना है। इसमें आप क्या करोगे, अब ये जो है ये दोनों आपस एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनेगी, ठीक है जी, ये दूसरी दोनों आपस की मिरर इमेजेस। सो उल्टा हो जाएगा काम, H2N CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 N N H2C H2C NH2, ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ये जो येलो लाइन मैंने एक टेब वो शो किया हुआ है, दिस शोज कि इट इज मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब यही सेम चीज जो है वो कोबाल्ट में करें। कोबाल्ट में आपने 2 बाइडेंटेट्स लगाने, 2 बाइडेंटेट्स, और जो दोनों होंगे वो आपस में मिरर इमेजेस होने चाहिए। तो प्लीज इसको जरा आप ट्राई करें खुद अब इस वक्त। जी ट्राई करें आप, कोबाल्ट है। मेरे मेरे जिन्हें दोनों आपस में और 2 बाइडेंटेट्स लगाने। जी ना, आई एम श्योर आप सब ने जो है वो इसको ट्राई किया होगा। अब जो बाइडेंटेट्स जो आते हैं वो NH2 जी, वो वाले ही बाइडेंटेट लगाने, CH2 CH2 और NH2, और एक बाइडेंटेट जो है वो आप ऐसे लगा दोगे NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। और इधर जो मिरर इमेज होगी उसमें उल्टा हो जाएगा H2N CH2 CH2 NH2, ठीक है, और यहाँ पे NH2 CH2 CH2 NH2, ये बॉन्ड है, ठीक है ना, ये बॉन्ड स्टेट शो करना है। मैंने ऐसे कर दिया, पेंट कर दिया, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है ना, रफ काम है, स्कूल का काम है। ओके सो दीज बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, और ये भी सेस है और ये भी सेस है, ठीक हो गया। अब आप ये समरी लिख रहे हैं, आप प्लीज एक समरी है ऑक्टाहीड्रल्स के बारे में, ये आप प्लीज इसको लिख लें। इसके बाद ये लिख लें सिस्ट्रांस के बारे में, सॉरी।